Hi dear students, myself Khan sir. Today we will try to understand some of the topic of some basic concept of chemistry. Okay, so from that the first topic, subtopic we will going to study, that is the laws of chemical combination. आज के इस लेक्चर में हम some basic concept of chemistry के कुछ topic है जो laws है, law of chemical combination. उसमें के दो लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे. पहला जो लॉ है हमारा, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो लॉ है हमारा, दैट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, और उसी लॉ को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं. तो इन दो लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज सेड दैट in any chemical or physical change, in any chemical or physical change, the masses of product is equal to the mass of reactant. Okay, so this is the general statement of this law. The law of conservation of mass is said that in any chemical or physical change, the masses of the product is equal to the masses of reactant. Okay, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि इनका कहना है, the statement of this law is itself says that कि किसी भी रिएक्शन में, मान लो कि हम कंसिडर करेंगे कि A नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है, और उसके साथ हमने B को रिएक्ट किया और हमें मिला C. ओके, तो हम कंसीडर करेंगे कि इन दोनों का मास जो है वो 40 ग्राम है, ठीक है, ठीक है, या फिर उसको अपन 40 ग्राम बोलेंगे या 40 मोल बोलेंगे, ठीक है. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट होगा उसका भी मास जो होगा वो 40 ग्राम ही होगा, ठीक है. तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट का जो मास होगा वो ऑलवेज रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा. यह है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट. और इसको हम एक अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मान लो हमारे पास है कार्बन, ठीक है, और उसके साथ हमने रिएक्ट किया ऑक्सीजन को, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. जैसे कि हम अब यहां पर जो रिएक्टेंट है वो है कार्बन और O2. एक्चुअली ये रिएक्शन भी बैलेंस है, ठीक है. तो इनका मास जो है, कार्बन का जो एटोमिक मास है या उसका जो मास है वो कितना है, 12, ठीक है. और जैसे कि यहां पर है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का है 16 और यहां पर है दो ऑक्सीजन, तो दैट इज इक्वल्स टू 32, ठीक है. तो टोटल जो मास हो रहा है इनका वो कितना हो रहा है, दैट इज द 44. ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर भी एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, दैट इज 16 × 2 और दैट टोटल विल बिकम 44. तो बेसिकली यहां पर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो एक कार्बन का जो मास है वो 12 है और एक ऑक्सीजन का मास जो है 16 है, तो दो ऑक्सीजन का हो गया 32. तो टोटल जो मास है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट साइड का है 44, और प्रोडक्ट साइड का भी जो मास है वो कितना है, 44. तो इस एग्जांपल से आपने ये समझ लिया कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है वो ऑलवेज प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है. सो दूसरे स्टेटमेंट में हम इसको ऐसा भी कह सकते कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और नाइदर क्रिएटेड, इट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द केमिकल चेंज, ठीक है. और बेसिकली दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर लेकर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. बेटा शांत रहे, थोड़ा अच्छे से समझ ले इस टॉपिक को, बाद में बातें करने की, ठीक है. तो बेसिकली जैसा कि हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर
और एक ऑक्सीजन मिलके हमको मिलता है H2O, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। टोटल जो मास होता है इनका रिएक्टेंट साइड का वो होता है 18, और इस साइड में हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 और उसके बाद एक ऑक्सीजन का मास 16, और ये टोटल मास जो होगा या वो 18 हो गया। तो इस एग्जांपल में भी आपने ये बात कंसीडर या अंडरस्टैंड कर ली कि रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है वो अलवेज प्रोडक्ट साइड के इक्वल होता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल चेंज में मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्शन। और इसी लॉ जो मास ऑफ कंजर्वेशन है उसका भी यही कहना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल चेंज में या किसी भी फिजिकल चेंज में द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इस दोनों एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो लॉ है वो जोसेफ प्रोस्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो पहले हम यहां पर इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। इफ एनी केमिकल कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स the masses of constituent element is always fixed, okay। जैसे कि इस लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि हम जब किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाएंगे या उसे ऑब्टेन करेंगे तो जो उसका जो मास होगा उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनका जो मास होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। वो उसका जो रेशियो है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, भले ही हम उसे किसी डिफरेंट टाइप के सोर्स से भी ऑब्टेन कर ले, अलग अलग सोर्स से भी हम उसको ऑब्टेन करते होंगे तो उसके जो एलिमेंट का जो मास है, मास का जो रेशियो है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, ऐसा इस लॉ का कहना है। जैसे कि इस लॉ को हम एक स्टेटमेंट के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेटा मैंने पहले ही कहा तुम्हें शांत बैठ, थोड़ा बातें मत कर, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये कि मान लो हमारे पास है H2O, ठीक है। एक H2O जो है हमारे पास वो है किसी हमने डैम से लिया उसको, ठीक है, तालाब से। और दूसरा जो H2O है हमारे पास वो हमने टैप वाटर है हमारा, ठीक है, नल का पानी। और तीसरा जो H2 है हमारे पास दैट इज वो जो है हमारा वो नदी का पानी है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर जो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अलग अलग तीन सोर्स से हमने लिया इसको, ठीक है। अब तीन सोर्स से लेने के बाद इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है 2 है, ठीक है, और इसमें भी जो है हाइड्रोजन 2 है, और इसमें भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और बाद में एक ऑक्सीजन, और उसके बाद इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन। तो इनका जो मास का जो रेशियो है वो तीनों में कांस्टेंट होगा, चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के जो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और 1 का हो गया 16, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो दैट विल बी बिकम 8H2O1, ओके। और यहां पर भी ये 2 और ये 1 ऑक्सीजन का 16, तो दैट इज ऑल्सो बिकम 8H2O1, और यहां पर भी इसका हो गया 2 और इसका हो गया 16, और ये इसका जो इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लेंगे तो दैट विल बी 8H2O1 या 1H2O8, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड को कौन से भी या अलग अलग डिफरेंट टाइप के सोर्स से भी अगर ऑप्टेन किया तो उसके जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उनका जो मास का रेशियो है वो फिक्स होगा, भले ही आप उसको डिफरेंट टाइप के सोर्स से ऑप्टेन करें। जैसा कि यहां पर हमने ये जो वाटर है डैम से लिया, लेकिन इसमें जो सोर्स एलिमेंट का जो रेशियो है वो 8H2O1 आया। फिर बाद में हमने जो नल का पानी लिया उसमें भी जो रेशियो है वो 1H2O1
सॉरी H2O1 आया, या फिर हमने नदी का पानी लिया तो उसमें भी जो एलिमेंट का जो रेशियो है, मास का जो रेशियो है वो 8H2O1 या 1H2O8 ही आया। मतलब एलिमेंट का जो मास है उसका रेशियो उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं होता, वो ऑलवेज फिक्स होता है, ऐसा द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का कहना है। ओके, तो जैसे कि हमने आज इस दो लॉ को समझ लिया, इसके बाद हम जो लॉ समझेंगे वो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो जल्दी से आप इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है, बाद में हम तीसरा लॉ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, बातें मत करो, ठीक है। ओके, चलो लिखो।